हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू मैंने कुछ स्टूडेंट से ये बात सुनी कि जो न्यू मेडिकल कॉलेज है उसको लेने से तो अच्छा ये है कि आप एक साल ड्रॉप ले लो या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चूज़ कर लो क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है और आई थिंक कि मैं इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ जिसे जनरली ये माना जाता है कि ये मेडिकल कॉलेज टॉप का मेडिकल कॉलेज नहीं है न्यू मेडिकल कॉलेज है सबसे कम जाती है इस वजह से ये मेडिकल कॉलेज अच्छे नहीं होंगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आप सभी के साथ कि क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए या मुझे सही क्या लगता है मतलब एज अ मेडिकल स्टूडेंट मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ मैं कॉलेज में एंटर कर चुकी हूँ तो मेरे क्या सजेशन्स होंगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि कॉलेज चूज करने से पहले अगर आपने कुछ भी छोटी सी मिस्टेक कर दी तो पूरी लाइफ टाइम तक आपको वो भुगतना पड़ सकता है तो देखिए मेरे साथ क्या केस था मुझे राउंड वन में अरविंदो मेडिकल कॉलेज मिला था और वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने वो मेडिकल कॉलेज इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी और मेरे मार्क्स उस टाइम पर फाइव आए थे 2020 ट्वेंटी में तो मुझे पता था कि गवर्नमेंट मिल सकता है बट बॉर्डर पे थे मेरे मार्क्स इसीलिए मैंने सोचा कि अगर प्राइवेट में मुझे मिल जाता है एडमिशन तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा बट अगर, अगर अपग्रेड होता है तो और अच्छी बात है इसीलिए मैंने फिर नेक्स्ट राउंड में सारे मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिल करे जिससे मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ अब मेरी ये चॉइस नहीं थी कि मुझे शेडोल में जाना है बट मैं शेडोल में आई क्योंकि वो मुझे कॉलेज अलॉट हुआ बट वहाँ आने के बाद वहाँ आने से पहले मैं भी ये सोचती थी कि ये नया मेडिकल कॉलेज है पता नहीं डिस्ट्रिक्ट कैसा होगा किस तरह वहां पे पढ़ाई होगी कैसा हॉस्पिटल होगा कुछ भी नहीं जानती थी लेकिन क्योंकि अब मैं उस कॉलेज में आ चुकी हूं तो मैं आपको सारी अंदर की बातें बताती हूं देखिए आप चाहे शेडोल चूज करें शिवपुरी चूज करें छिंदवाड़ा खंडवा दतिया रतलाम कोई भी न्यू मेडिकल कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो सबसे पहली बात ये बात बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि ये कॉलेज बुरे हैं ये कॉलेज बुरे नहीं ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मैं ये बात क्यों कह रही हूँ क्योंकि दो साल हो चुके हैं मुझे इस मेडिकल कॉलेज में जो न्यू मेडिकल कॉलेज है फैसिलिटी वाइज़ देखें आपको हॉस्टल बहुत अच्छे मिलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है अगर आप टीचर्स की बात करें तो जो टीचर्स हैं न्यू मेडिकल कॉलेज के वो खुद चाहते हैं कि यहाँ का रिजल्ट अच्छा आए ताकि हमारा जो कॉलेज है उसका नाम आगे तक जाए टीचर्स भी यहाँ स्टूडेंट के साथ मेहनत करते हैं तो पढ़ाई के लिए आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेडिकल कॉलेज अच्छा है इसमें पढ़ाई नहीं होती होगी इसमें पढ़ाई होती होगी बिल्कुल नहीं सारे मेडिकल कॉलेज चाहे पुराना कॉलेज हो या फिर न्यू मेडिकल कॉलेज हो पढ़ाई हर जगह बहुत अच्छी होती है फिर आपको और क्या चाहिए आपको ये चाहिए कि फर्स्ट ईयर में एनाटॉमिक में डाइसेक्शन के लिए प्रॉपर कैडेवर हैं या नहीं तो जहाँ तक मुझे पता है अब हर मेडिकल कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सारे इंस्ट्रूमेंट फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए सारे रिएजेंट एंड बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के लिए और कैडेवर फॉर कैडेवर या फिर आपको ग्रॉस एनेटमी के लिए जो स्पेसिमिस चाहिए वो हर मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है क्योंकि मेरा मेडिकल कॉलेज जिसे लास्ट में रखा जाता है जब वहां ये सारी चीज़ अवेलेबल है तो इसके ऊपर में रखे जाने वाले कॉलेज में तो वो हंड्रेड गारंटी के अवेलेबल होंगे नेक्स्ट जो और स्टूडेंट का कंसर्न होता है वो होता है कि हॉस्पिटल कैसा है देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ सेकेंड ईयर में ही इतने ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोज़र हमें देखने को मिला है जितना जो पुराने डॉक्टर्स होते हैं वो बताते हैं कि उनको फोर्थ ईयर या फिर इंटर्नशिप में मिलता था तो हम लोगों ने ऑलरेडी इतनी सर्जरी देख चुके हैं सेकेंड ईयर में आकर ही जस्ट बिकॉज कि ये न्यू मेडिकल कॉलेज है यहाँ ज़्यादा सीनियर्स नहीं हैं तो जो भी चीज़ सिखाई जानी है वो हर स्टूडेंट को सिखाई जानी है यहाँ भीड़ बहुत कम है इस वजह से सारे स्टूडेंट को जो क्लिनिकल एक्सपोजर होता है वो बहुत अच्छे से मिलता है रही बात ओ की तो ओ में नंबर ऑफ पेशेंट बराबर आते हैं जितने आने चाहिए सारे डॉक्टर्स यहाँ पर होते हैं सारी वार्ड सारे वार्ड चालू हैं मेरे कॉलेज का मैं बता रही हूँ पर्टिकुलरली सारे वार्ड्स चालू हैं सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल होती है। हाँ जो बस एक चीज है वो अच्छी नहीं है कि जो सिटी है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप चाहते हैं जैसे इंदौर हो भोपाल हो जबलपुर है इतनी बड़ी तो बिल्कुल नहीं है कुछ फैसिलिटीज है जो सिटी के तरफ से लैक करती है बट फॉर अगर हम मेडिकल uh, कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेडिकल कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है तो वो आप लोगों को भी आदत होगी मैनेज करने की वो तो हर जगह ही आपको मैनेज करना पड़ता है बट जो मेजर मेजर फैसिलिटीज़ हैं वो सारी अवेलेबल होती है तो जो स्टूडेंट ये डिसीज़न ले रहे हैं कि ये गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट छोड़कर वो प्राइवेट में जाएँ तो प्लीज़ 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 प्लीज, ये गलती बिल्कुल मत करिए आप लोग एक बार कॉलेज में आइए आप खुद इस एन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे और इतने अच्छे से आप रहने लग जाएंगे और आपके नाम के साथ ये टैग लग जाएगा कि आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है तो यही बहुत बड़ी बात होती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज छोड़कर आप प्राइवेट की तरफ ना भागिए आप एक कॉलेज को चूज़ करिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को चूज़ करिए मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और आप जिस मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आप उस कॉलेज के फोर्थ या फिर फिफ्थ बैच होंगे तो आपके पास ऑलरेडी तीन या चार बैच के सीनियर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे इसीलिए कोई मेडिकल कॉलेज इस वक्त 2022 की काउंसलिंग के लिए न्यू नहीं है सारे मेडिकल कॉलेज को आप ओल्ड मेडिकल कॉलेज में कंसिडर करिए और चॉइस फिलिंग में ये मत देखिए कि ये लीस्ट मेडिकल कॉलेज है तो इसको मैं नीचे रखूंगा अगर आप वो आपके घर के पास हैं और आप कंफर्टेबल हैं उस कॉलेज में जाने के लिए तो आप उस कॉलेज को भी चूज कर सकते हैं जो न्यू है और जिसका कट ऑफ भी कम जाता है तो इस वीडियो में मैं बस आप लोगों को यही बात बताना चाहती थी क्योंकि मुझे ये चीज देखकर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि स्टूडेंट कह रहे थे कि न्यू मेडिकल कॉलेज बुरे हैं अच्छे नहीं है देखिए वो स्टूडेंट ही आपको अच्छे से बता सकता है कॉलेज कैसा है अच्छा है बुरा है जो उसके अंदर पढ़ रहा है अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप मुझे रतलाम के मेडिकल कॉलेज के बारे में बताइए या एमजीएम के बारे में बताइए मैं नहीं बता पाऊंगी क्यों क्योंकि मैं वो चीज़ बताऊंगी जो मैंने सुनी है या किसी और से पूछा है जो मैंने देखा नहीं उस चीज़ के बारे में मैं बुरा तो नहीं बोल सकती ना इसीलिए जो मैंने देखा उस चीज़ के बारे में मैं अच्छा बता सकती हूँ इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने के लिए आई थी थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए और भी अगर कोई क्वेरीज़ हो या कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाय बाय